बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, ये हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है। जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी जो पहली खबर सामने आ रही है वो ये है कि हिमांशी खुराना यहाँ पर 4 दिनों के लिए बिग बॉस के घर में रहने के लिए आई हैं, और यहाँ पर वो सिर्फ आसिम रियाज को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर 4 दिनों के लिए हिमांशी खुराना को सैलरी क्या मिल रही है। तो आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में 4 दिन बिताने के लिए हिमांशी खुराना को बिग बॉस के मेकर्स पे कर रहे हैं 12 लाख रुपए। जी हाँ, और इस 12 लाख रुपए में हिमांशी को आसिम को सपोर्ट तो करना है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के मुद्दों को ही सामने लेकर आ रही है और यही क्लियर कर रही है। एंड इवन वो अपनी बातों का खुलासा करके आसिम का गेम कहीं ना कहीं कमजोर ही कर रही हैं। नंबर 2, एजाज खान ने पराग त्यागी को जमकर लताड़ा है। जी हाँ, पराग त्यागी ने आसिम को धमकी देते हुए एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पर और कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा फिनाले वाले दिन, और उस पर पराग को लेकर एजाज ने कहा कि फालतू की ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, तो किसी भोजपुरी फिल्म को साइन कर लेना यार, क्योंकि फालतू की चीज को ओवर ड्रामा करना इज नॉट अ गुड थिंग ना। और तेरी बीवी का आकर आसिम को बोलना कि ये वो बोलना कि पराग तुमसे मिलेंगे, अरे यार फिनाले पे हम भी वहाँ और तुम भी वहाँ तब देख लेंगे ना, वैसे भी आसिम तक जाने से पहले तुम्हें हमें मिलना होगा, तब बात करेंगे इस बारे में। नंबर 3, हिमांशी खुराना ने बिग बॉस के घर में आकर रश्मि देसाई से ये कहा था कि मैंने अभी तक अपना कंफर्म इसलिए नहीं किया है क्योंकि आसिम के ही किसी अपने ने मुझसे ये कहा था कि अभी अपने प्यार का इजहार मत करना। इस पर अब उमर रियाज का कहना है कि ये सब बातें उन्होंने ही कही थी। उन्होंने कहा कि मैंने हिमांशी से कहा कि मेरे पिता भी ये सब चीजें देखते हैं टीवी पर और वो नहीं चाहते कि ये सब चीजें आगे हो, आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, इतने क्लोज ना हो और साथ ही अपना कन्फेशन भी ना करें आप, क्योंकि अभी फिलहाल आसिम को अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए, मेरे पिता को उसकी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4, विकेंड का वार का शूट आज फ्राइडे को ही होगा, तो यहाँ पर सलमान खान किन मुद्दों पर बात करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि सलमान खान कश्मीरा और विकास गुप्ता की फाइट पर बात कर सकते हैं। पैसों वाले टास्क में विकास गुप्ता के पैसे चोरी करने को लेकर बात कर सकते हैं। आसिम और हिमांशी के प्रपोजल और कन्फेशन पर भी बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ घर में हुए अंडे वाले टास्क को लेकर भी बात कर सकते हैं। सिद्धार्थ और विशाल की टाइमिंग को लेकर भी बात कर सकते हैं। तो साथ ही साथ घर में हुए कई सारे लड़ाई झगड़ों पर सलमान खान बात करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 5, अब बात करेंगे शाम 7 बजे तक घर वालों को मिले वोट्स के बेसिस पर कौन है कौन सी पोजीशन पर और कौन हो सकता है घर से बेघर। तो आपको बता दें कि विशाल आदित्य सिंह को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और वो नंबर 1 पर हैं। नंबर 2 पर हैं सिद्धार्थ शुक्ला, नंबर 3 पर हैं शहनाज गिल और नंबर 4 पर हैं आरती सिंह। आरती सिंह को सबसे कम वोट्स मिले हैं और वो इस वीकेंड का बार पर घर से बेघर हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें, जहां पर आपको एपिसोड आने से पहले ये पता चल जाता है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा। इसके अलावा आपको वो भी खबरें पता चलती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, फिर चाहे वो सीजन के कंटेस्टेंट से जुड़ी हो, चाहे वीकेंड का बार की लाइव अपडेट्स हो या फिर मेकर्स से जुड़ी कुछ और खबरें। आपको ये सारी खबरें इन टॉप 5 न्यूज़ में रात 8 बजे हर रोज देखने को मिलती है। तो इसी तरह से इन टॉप 5 खबरों के लिए, हाइलाइट्स के लिए और भी कई चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।